शुभ दिन की शुरुआत हो रही है भोंगे के साथ। तो आज का राइड है मोटो व्लॉग, दिस इज माय पहला मोटो व्लॉग। लास्ट वीडियो में आपने देखा रहेगा गोप्रो मीडिया मोड लिया हम लोग ने, तो अभी वो मीडिया मोड का टेस्टिंग चालू है। बैठो सर जी, मेरे साथ है आकाश खेड़कर और आगे मेरे दो फ्रेंड और मिलने वाले हैं। भाई कौन सा रूट पकड़े? ये ना जस्ट हम लोग घर से निकले हैं। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। मेरी बाइक है अपाची 200, राइडिंग में काफी अच्छा लग रहा है फिलहाल। तो अभी रोड काफी अच्छा है एंड खाली भी है मॉर्निंग होने के वजह से। और मैंने आपको बताया शायद कि अभी हम लोग लोनावला जा रहे हैं जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। लोनावला एक काफ़ी बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क है, तो वो उसका जर्नी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी वो व्लॉग के अंदर क्या होगा अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फ़िलहाल ये मोटो मेरा पहला व्लॉग है, मोटो व्लॉग। बहुत मज़ा आ रहा है सुबह सुबह राइडिंग करने के लिए। ये जो रोड आपको खाली दिख रहा है वो खाली इसी टाइम खाली दिख रहा है और कभी खाली नहीं रहता। ये घर पे मैंने माइक का टेस्ट किया तो हेलमेट में काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही थी। अब ये नहीं बता पाऊँगा कि अभी कैसे आ रही होगी आपको आवाज़, बट शायद अच्छी आ रही होगी। थोड़ी देर में हम हाईवे पकड़ लेंगे, हाईवे पकड़ने के बाद फिर टेंशन नहीं है, खाली फिर राइडिंग ही करना है। ओ भाई ट्रक 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 कहाँ जा रहे हैं लोग? ये अभी उल्लासनगर हम लोग जस्ट क्रॉस करेंगे और हाईवे पकड़ेंगे। उल्लासनगर ये 2 नंबर है, फिर फटाफट 3 नंबर भी आ जाएगा और फिर हाईवे आते ही अंबरनाथ आ जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे बहुत रश रहता है बट मॉर्निंग होने की वजह से रश का सामना नहीं करना मिल रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। सुबह सुबह भगाने का गाड़ी का जो मज़ा है वो दुनिया में सबसे अच्छा मज़ा है। वो इट्स 97 क्रॉस 100 क्रॉस, वो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन हम लोग को फिलहाल ध्यान तो रोड पे ही बनाना पड़ेगा। यहाँ से लूँ या आगे से लूँ? आगे भाई, गूगल मैप पीछे है आकाश जो हमको रास्ता गाइड कर रहा है। कुछ 8 बजे के करीब हम लोग ने ये अपना सफ़र शुरू किया था, 8:05 या सुबह 8:13 हो रहा है, 13 मिनट में हम लोग ने कुछ 6-7 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। ये ले लिए हम सीधा लेफ्ट, अब ये हाईवे ही सीधा जाएगा अपने को खोपोली करजत। खोपोली में मेरे 2 फ्रेंड और हैं जो मिलने वाले हैं, एक है नूर शेख एक है आशिक यादव। तो आगे का जैसा रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉग। पता नहीं लोग गाड़ी तेज क्यों चलाते हैं। रुक आया रुक, इसको उड़ते हुए देखना है। ए उड़ो उड़ो उड़ो, वो पूछ ले बाइक कौन सी, अपन वही लेते हैं। मॉडिफाई करा है ना? कौन सी गाड़ी को मॉडिफाई करा है? इंपल्स है वो, इंपल्स। इंपल्स है, बहुत सही है। ये लोग का साथ है रे,
भाई मजे ले रहे हो, मजे बाइक के। कौन सी बाइक है, कौन सी बाइक है? इम्पल्स। सही है, सही है भाई। ऑफ रोडिंग के लिए एक बजटेड बाइक अगर आप बात करते हो तो एक्सपल्स से अच्छा कुछ ऑप्शन नहीं दिखाई देता, जो कि वेल मेंटेन्ड है। मतलब वेल मेंटेन्ड नहीं बोल सकते, उसका मेंटेनेंस कम है ऐसा सुना है मैंने। खाली चैन का थोड़ा इशू है, जो कि मेरे दोस्त के थ्रू पता चला है मुझे। चैन ल्यूब मतलब इतना अच्छा ल्यूब मिल नहीं रहा है उसके लिए। हर राइड पर, मतलब हर 100 किलोमीटर पर उससे पहले उसको ल्यूब देना पड़ता है, नहीं तो फिर चैन से खड़खड़ की आवाज़ आने लगती है। ये स्टेट हाईवे है तो रोड बहुत ख़राब था कुछ साल पहले, मतलब कुछ दिन पहले। अभी का रोड थोड़ा अच्छा है और सन भी एकदम बोलते ना सॉफ्ट सन है, तो ठंड में थोड़ी थोड़ी ठंडी, थोड़ी थोड़ी गर्मी, थोड़ी थोड़ी ठंडी। और मैंने एक मोटा जैक, पहले तो मैंने एक स्वेटर जैसा टी शर्ट पहना है मोटा, तो उसके बाद मैंने ये लाइनर पहना है, तो हल्की हल्की ठंडी लग रही है और हल्की हल्की गर्मी के साथ जो राइडिंग का जो मज़ा आ रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, बट मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। फिलहाल पेट्रोल हमको भरवाना पड़ेगा, 30 किलोमीटर और जा सकते हैं। ये रोड एक्चुअली थोड़ा 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 ही बनाया हुआ है, आगे जाके हम लोग को ये क्या बोलते हैं यार, वो वाला रोड कंक्रीट का रोड तो ये है, वो डांबर वाला रोड मिलेगा उस पर तो और अच्छा लगता है। लेकिन फिलहाल तो कैसा है कि अभी वो पुराना हो गया, ये नया है, तो हमको समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको नए रोड पसंद करने पड़ेंगे। कंक्रीट वाले रोड पे ना ग्रिपिंग बहुत अच्छा आता है, पैर का नहीं गाड़ियों के टायर का। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, लेकिन ये रोड की लाइफ बहुत अच्छी होती है। फिलहाल हमने गोल भज्जी ऑर्डर किए, चटनी बहुत ही टेस्टी है यहाँ का। आदित्य स्नैक कॉर्नर जो कि मांगनी में, तो चाय मंगाते, चाय के बाद खाने के बाद आपको वापस से बाइक पे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी नाश्ता हम लोग ने कर लिया है, यहाँ से नाश्ता करके अभी निकल रहे हैं। अभी तक सचिन गाड़ी चला रहा था, अभी मैं थोड़ी देर के लिए चलाने वाला हूँ, फिर वापस सचिन चलाएगा। यस दोस्तों, तो अभी अपन जा रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए। पेट्रोल अभी एक ही पॉइंट बचा है, सामने ही पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है मुझे। हमारा फर्स्ट मोटो ब्लॉग है हमारा, मतलब सचिन का। पाँच सौ का डाल देना, 500 का पेट्रोल भरा लिया है। 5 लीटर भी नहीं आता है दोस्तों 500 में। एक ज़माना था 500 रुपये में टाकी फुल कर देते थे हम लोग, अभी ये नया ज़माना है जिसमें कुछ भी नहीं होता। मतलबपुर से करजत का है ना दोस्तों, एक ही प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि यहाँ पर बीच बीच में ब्रेकर बहुत सारे, कुछ ज़्यादा ही ब्रेकर है। अभी देखते हैं क्या, अभी गिनेंगे ना ब्रेकर पता चल जाएगा। ये देखो ये पहला ब्रेकर आ गया, ये छोटा सा एक, ये दूसरा एक, क्या खूबसूरत वादी है। ये देखो ये जो जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं ना, माथेरान के पहाड़ हैं, पूरा का पूरा माथेरान का पहाड़ है दोस्तों ये। अभी माथेरान की एंट्री आने वाली है, ये देखो अभी आगे ही है ना, आगे ही माथेरान का एक टर्न आ रहा है। ये देखो दिखाता हूँ आपको,
करजत लिखा है, एक माथेरान लिखा है। ये जो चौक है ना, ये माथेरान का चौक है। यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे ना, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे माथेरान आ जाता है। अभी माथेरान क्रॉस किया हम लोग ने, तो हमारे दोस्त सब मिल चुके हैं। वो देखो खड़े उधर, अरे क्या बोले। और भाई लोग सचिन सचिन, ये मेरा दोस्त आकाश, और भाई ये उठ के 7 बजे उठा। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। हमको आगे का रास्ता नहीं पता, ये नूर भाई भगा नहीं रहे गाड़ी। ये हम लोग पहुंच गए लोनावाला। यहाँ की चिक्की बहुत फेमस है, मतलब खोपोली पहुँचते लोनावाला आ जाता है। लोनावाला बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर घूमने आते हैं और हनीमून मनाने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हनीमून के पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, इन फ्यूचर पड़ सकती है। बट नीचे एक्सप्रेस वे लेन है, काफ़ी रश है वहाँ पे, इतनी ट्रैफिक एक्सप्रेस वे पे, वाओ कैसे जाएंगे लोग। ये जगह बहुत ही अच्छी है फोटोज़ के लिए, बट फिलहाल हम लोग नहीं रुक रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। और यही एक जगह है जिसको खंडाला बोलते हैं, खंडाला। एक्चुअली बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी फ्रेंड्स, तो वापस से हम अभी चल रहे हैं। अभी तो पहुंचे नहीं है हमारा जो अम्यूजमेंट पार्ट है। फटाफट हमने ग्लव्स पहना और ले इंजन चालू किया और हम निकल लिए। हम लोग थोड़ा ज़्यादा आगे आ गए, 4-5 किलोमीटर हर बार की तरह। ये हर बार होता है हमारे साथ। किधर? ओ भाई आ गए आ गए। इमेजी का तो नहीं है ये? अंदर फोड़ भी रहेगा। फूड खरीदना है अपने को बाहर से। गेट नंबर 1, 2, 3 आगे वाला गेट।
तीसरे वाले गेट से वो अपने को आगे जाने का है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, सस्ता सा गेट हमारे लिए बना हुआ है, 3 नंबर गेट। छुट्टा है कैश कुछ भी नहीं। गूगल पे ऑनलाइन देख रहे हो कितना शानदार पार्किंग है। ओ, ओ, ओ। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, टना ना 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 कि हंस के भी हम तुम। क्या नूर भाई क्या बोलते तुम, तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। मेरे पीछे ही है वेट एंजॉय। तो राइडिंग का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जो भी था मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा। तो आगे की वीडियो में मैं आपको अंदर का दिखाने वाला हूँ क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो।